हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का जो रिक्रूटमेंट है ये इंजीनियर्स के लिए है और इंजीनियर्स में बहुत सारे स्ट्रीम के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। इंजीनियर्स में टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्निकल अटेंडेंट और भी बहुत सारे प्रोफाइल की इसमें वैकेंसी जारी की गई है और ये वैकेंसी IOCL के द्वारा जारी किया गया है और इसमें आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, कोई गेट बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, ये पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी के लिए भी है। ओके, सो यहाँ पर देखें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके जितने भी रिफाइनरीज हैं और पाइपलाइन डिवीजन है IOCL के, वहाँ पर वैकेंसी, जैसे गुवाहाटी में भी वैकेंसी है, बरौनी में भी वैकेंसी है, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, पारादीप, उसके बाद दिगबोई, बंगे गांव, पारादीप, इन सभी जगहों पे जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे, यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। रिफाइनरीज डिवीजन के लिए सैलरी स्ट्रक्चर 25,000 से लेके 1,05,000 तक है और पाइपलाइन डिवीजन में 25,000 से लेके 1,05,000, तो सेम है। स्टार्टिंग में आपको इन्हें 78,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज और प्रोफाइल के लिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन में गुवाहाटी में 19 वैकेंसी है, बरौनी में टोटल 21 वैकेंसी है, गुजरात में 40, हल्दिया में 23, मथुरा में 19, पानीपत में 16, दिगबोई में 24, बोंगेगांव में 29, पारादीप में 7। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन एंड यूनिट में यहाँ पर देखेंगे, गुवाहाटी में 10, बरौनी में 3, गुजरात में 3, मथुरा में 6, दिगबोई में 4, बोंगेगांव में 7। राइट, सो यहाँ पे ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट में टोटल पानीपत में 16, पारादीप में 6। जूनियर इंजीनियर बरौनी में यहाँ पर 4 वैकेंसी है। राइट, इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट में गुजरात में 12, हल्दिया में 2, दिगबोई में 1 एंड बोंगेगांव में 2। राइट, सो उसके बाद फिर यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 7 वैकेंसी, गुवाहाटी में, बरौनी में 9, हल्दिया में 2, पानीपत में 4, दिगबोई में 16, बोंगेगांव में 10, गांव में 10, पारादीप में 2। इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बरौनी में 4, गुजरात में 3, मथुरा में 2, पानीपत में 7, बोंगेगांव में 6। इसके अलावा पारादीप में 2, गुवाहाटी में 2, बरौनी में 3, गुजरात में 2। ये है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। राइट, बरौनी में 2, बरौनी में 3, गुवाहाटी में 2, गुजरात में 2, हल्दिया में 1, पानीपत में 4। ठीक है, दिगबोई में 5, बोंगेगांव में 4, गुवाहाटी में, यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, गुवाहाटी में 4, गुजरात में 6, हल्दिया में 2, मथुरा में 3, पानीपत में 3। राइट, दिगबोई में 5 एंड बोंगेगांव में 4। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके अलावा ये जो है आपका जो था ये आपका, ओके, सो ये था आपका रिफाइनरीज में। अब यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर आप देखेंगे लाइक इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में, तो ये दिया गया है बिहार में, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, पाइपलाइन डिवीजन से जहाँ पाइपलाइन गुजरती है, तो वहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में, गुजरात में 5 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है आपका गुजरात में। इसके अलावा इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर देखेंगे गाइस 6 वैकेंसी है। अटेंडेंट के लिए 12 वैकेंसी गुजरात में है, बहुत सारा यूपी में है, हरियाणा में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, क्योंकि पाइपलाइन तो हर एक जगह से गुजरती है। तो ये है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस, इसमें डिप्लोमा चाहिए, राइट, या BSc चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, राइट, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है।
तो मिनिमम जितने भी जूनियर इंजीनियर है सभी के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में डिप्लोमा चाहिए या फिर बीएससी चाहिए, ओके। और अब यहाँ पर बात करेंगे गाइस आपका असिस्टेंट इंजीनियर जो है, लाइक इंजीनियरिंग असिस्टेंट, उसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, ओके। सो ये है बेसिक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसमें जो है गाइस लाइक 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो आपका रिफाइनरीज में है, राइट, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो रिफाइनरीज डिवीजन में है, 1 ईयर का जो है जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। सो पीएनयू में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो बाकी सभी में जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं गाइज इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी होगा, ओके। 26 साल मैक्सिमम एज दिया गया है और 31/7/2024 तक आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा आपको, ओके। सो अब बात करेंगे गाइज यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल रहेगा, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटीज, 10 जनरल नॉलेज के, तो इस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें जो है गाइज आपका 15 दिन में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ओके। एंड देन फिर जो है आपका थोड़ा सा टेक्निकल और टेस्ट होगा, ओके। सो उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कोई भी इसमें इंटरव्यू के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, ओके। सो ये चीज़ें हैं। और 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जो आपको पे करना है, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, ओके। सो दैट्स इट। और लास्ट डेट जो है 21 अगस्त है, 21 अगस्त से पहले तक आप अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे www.iocl.com 21/8/2024 तक। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नए पेज पर आप पहुँच जाएंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके गाइस। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।